पश्चिम चंपारण बेतिया के औरैया मोजे टोले बानु छापर ओपी थाना निवासी कृष्ण नट पत्नी संगीता देवी की पुत्री बबली कुमारी जो कि बीए एडमिशन हेतु राम लखन सिंह महाविद्यालय के लिए 24 अगस्त 2021 को घर से 10 बजे सुबह संजय यादव जैनी टोला निवासी के टेम्पो से निकलती है, जहां देर शाम तक घर नहीं लौटने से अभिभावक परेशान हो खोजबीन करते हुए इस संबंध में स्थानीय थाना बानु छापर ओपी को आवेदन देने पहुंचे, लेकिन स्थानीय थाना द्वारा पीड़ित परिवार के आवेदन देने के 4 दिन बाद प्राथमिकी दर्ज की जाती है, जिसकी कारण संख्या 521 है। वहीं पीड़ित का ये भी कहना है कि उसकी पुरानी विवाद भी है, कहीं हो या ना हो इस मामले को लेकर उन व्यक्तियों पर भी संदेह की स्थिति बनी हुई है। ताज्जुब की बात है कि किस कारण आवेदन देने के पश्चात पीड़ित द्वारा आरक्षी उप महानिरीक्षक पश्चिमी चंपारण को 1 सितंबर 2021 को थाना की शिथिलता को लेकर आवेदन दिया गया, जिस पर आरक्षी उप महानिरीक्षक द्वारा संज्ञान में लेते हुए स्थानीय थाना को खरी कोठी सुनाई गई, जिसके 4 दिन पश्चात थाना प्रभारी थाना द्वारा प्राथमिकी दर्ज करी जाती है, जो अपने आप में पुलिस प्रशासन पर एक सवाल खड़ा करती है। वहीं पीड़ित परिवार की मां संगीता देवी का कहना है कि उनके आवेदन पर स्थानीय थाना द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती, परंतु आरक्षी उप महानिरीक्षक के प्रति पीड़ित परिवार का विश्वास इस कारण बढ़ा कि उनके आवेदन को संज्ञान लेते हुए उप महानिरीक्षक द्वारा पुलिस की कार्रवाई तेज जो हो गई है। अब परिजनों को विश्वास है कि उनकी पुत्री जल्द ही बरामद हो जाएगी, तो दूसरी तरफ इस मामले में जिस तरह से वाल्मीकि प्रेस क्लब ने अपनी भूमिका निभाई, उसको भी लेकर पीड़ित परिजन उन्हें भी धन्यवाद देते हुए ये कहा कि आप मुझे न्याय मिलने की उम्मीद जग गई है। वहीं संवाददाताओं द्वारा मामले की जानकारी हेतु स्थानीय थाने से पूछे जाने पर थाना प्रभारी द्वारा यह बताया गया कि मामले को संज्ञान में लिया गया एवं जल्द ही मामले को त्वरित उद्भेदन किया जाएगा। आपको और कौन कौन से लोग मदद किए आपकी पुत्री के सिलसिले में? हमारे पुत्री के सिलसिले में वाल्मीकि नगर प्रेस क्लब की तरफ से मदद हुआ ना, इसमें वाल्मीकि प्रेस क्लब से हमको मदद हुआ सर। हमारे साथ यही हुआ है कि दिनांक 24/8/2021 को हमारी बेटी गई कॉलेज में बीए पार्ट वन का एडमिशन का पता लगाने, उसके बाद में वह भी हमारी नहीं लौटी। उसके बाद में खोजबीन किए पर पहुनाई ममहर कहीं पता नहीं चला। उसके बाद में हम कहा कि ये कि एक आवेदन एसपी साहब को पहले हम लोग दिए इसका खोजबीन करने के लिए। एसपी साहब कहेंगे कि चले जाइए थाना पर, हम फोन कर देते हैं। वहाँ पर जब गए हम, हमारी पत्नी गई तो वहाँ पर पत्नी के क्या किया कि आवेदन ले लिया, उसके बाद में कहे कि इस पर हम कार्रवाई नहीं करेंगे, है ना, आप लोग ड्रामा किए हैं, नौटंकी किए हैं, चले जाइए यहाँ से। उसके बाद में हम क्या किया, हार पछता कर हम लोग जब कोई कार्रवाई नहीं हुआ तो हम डीआईजी साहब के पास गए। उसी जगह से डीआईजी साहब कहे कि आपका आवेदन का क्लियर किया जाएगा, कार्रवाई नहीं की है एसपी साहब द्वारा, कार्रवाई नहीं की, जो भी कार्रवाई की गई है डीआईजी साहब की गई है, डीआईजी साहब के द्वारा हम लोग पर सब आश्वासन से हुआ है ये सब का। डीआईजी साहब, जब डीआईजी साहब के पास हम लोग गए तो कहे आप लोग घबराइए मत, और जो ये लोग नहीं कार्रवाई करता है तो हम लोग कार्रवाई करें, हम कार्रवाई कर रहे हैं, है ना। आश्वासन जी, बेटी का हमारा नाम था बबली कुमारी। कितने वर्ष की थी? 19 वर्ष। कितने दिनों से घर से लापता है? आज 11 दिन हो गया, 24 तारीख को 24 तारीख से लपाता है। और भी आप लोग के साथ कटक में कौन कौन से लोग और मदद कर रहे हैं? हमारे पुत्री के खोजबीन के मदद में वाल्मीकि प्रेस क्लब की तरफ से मदद हो रहा है। आपको किसी पे शंका है आपकी पुत्री के साथ जो ऐसी घटना हुई है गायब होने में? हमारे शंका है सर, हमने यहाँ का ना एक टेम्पू वाला है, और टेम्पू पर हमारी बेटी को ले गया गई, उस टेम्पू पर जाकर वहाँ पर राय जो क्लिनिक है हर वाटिका चौक पर, उसी जगह उतरी राय जी के क्लिनिक के पास, हर वाटिका चौक पे टेम्पू से गई। टेम्पू वाले का नाम क्या है? संजय यादव नाम है उसका, जैनी टोला का रहने वाला है जी। उसी जगह से हमारी बेटी का पता नहीं कहाँ चली गई। उसके बाद आपको किसी से दुश्मनी भी है? जी दुश्मनी तो है ना, दुश्मनी है साकिन बारी टोला का जो है शमशेर आलम है, मुदरे आलम है, साहेब आलम है, जावेद आलम है ना, मुफासिल थाना में पड़ता है वो। और यहाँ पर का भी सर, हमको हमारी बच्ची को जो एक गाली गलौज दिया था लोग, एक आदमी है वो स्थानीय चौकीदार ही है ना, उसका नाम है गालू पासवान है ना, कहा था क्या कि
है ना कि तुम पढ़ने क्यों जाती हो, पढ़ने नहीं देंगे, ये है ना तरह तरह की भद्दा भद्दा गाली उसको दिया था। इसी जगह औरैया मौजे टोला का बहुत, हाँ अभी हमारी बोली थी, बेटी बोली थी क्या कि है ना कि आप इस तरह जाते हैं शराब पीकर गाली गलौज करते है ना, हम लोग को अच्छा नहीं लगता, हम लोग पढ़ाई में पढ़े हुए हैं, आप शराब पीकर अच्छा लोगों को बला बला कर ले जाते हैं है ना, इस तरह मत कीजिए। तो उसको हमारी बेटी को गाली दिया था है ना कि गाली है ना मत दो ना, नहीं तो इस तरह दोगी तो मैं तुम्हें पढ़ने नहीं दूँगा, पढ़ने नहीं दूँगा। उस पर हमको काफ़ी शक है हजूर कि उस पर कानूनी कार्रवाई किया जाए, कि हमारा हो सकता है कि हमारी बच्ची को ही इनके स्पाई से हमारे बच्ची गुम हुई है, बस यही हमको कहना है। R9 भारत के लिए जयकिशोर शर्मा की रिपोर्ट बेतिया से। आज पूरा बिहार बाढ़ से तबाह बर्बाद है, लेकिन सरकार के द्वारा राहत का कोई अता पता नहीं। बगल के पूर्वी चंपारण के 8 प्रखंड बाढ़ की चपेट में है। अरेराज के घटिया, नवादा, सरैया आदि पंचायतों के 1000 से ज्यादा परिवार गंडक बांध पर सरड़ लिए हुए हैं। उनकी सुधी लेने वाला कोई नहीं। और तो और आपदा प्रभारी मंत्री मुख्यमंत्री रेणु देवी के गृह जिले के पश्चिमी चंपारण के पिपरासी प्रखंड के सेमरा, लवेडहा, मझरिया पंचायतों के बाद पीड़ित छतौनी रेल बांध पर 8 दिनों से वर्षा और धूप में सरड़ लिए हुए। उत्तर प्रदेश के राहत शिविरों में खाना खाते हैं और उनके लिए मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटित सेमरा लबेदहा स्थित बाढ़ आश्रम स्थल भवन का ताला तक नहीं खुलवाया गया। एक बलुआ ठोरी गांव है जहां एकमात्र नाविक द्वारा जा सकता है, मगर सरकार ने एक नाविक तक भी व्यवस्था नहीं कर सकी। सिकटा प्रखंड समेत जिले के बाढ़ ग्रस्तों प्रखंडों में शायद ही कहीं गरीब को राहत देने और किसानों के बर्बाद बिचड़ों का मुआवजा दिया गया हो। उक्त बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाकपा माले केंद्रीय कमेटी सदस्य सह सिकटा विधायक वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता ने संबोधित करते हुए कही। इस क्रम में उन्होंने आगे कहा कि यह सब आपदा प्रबंधन मंत्री के निकम्मेपन का कारण है। ऐसी कभी पश्चिमी चंपारण के लोगों ने नहीं देखा कि इस तरह की बाढ़ की बर्बादी हो और राहत कार्य चलाया गया हो। उन्होंने आगे कहा कि चंपारण के लोग कह रहे हैं कि आपदा प्रबंधन प्रभारी उप मुख्यमंत्री आपदा प्रबंधन के बदले ठेकेदारों और भूमाफियों के प्रबंधन मंत्री बनकर रह गए हैं। यूरिया की किल्लत के मामले में उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार देश की खेती बाड़ी को कंपनियों के हवाले कर रही है। किसानों को घाटे में डालकर उनकी जमीन को कंपनियों द्वारा हड़प लिए जाने का योजना पर काम कर रही है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डीजल पेट्रोल के मूल्यों में कमी के बावजूद यूरिया उत्पादन कम कर यूरिया की किल्लत पैदा कर रही। यूरिया निर्माण में पेट्रोलियम पदार्थों का इस्तेमाल होता है। उन्होंने कहा कि बिहार में अगस्त माह में 1,00,000 MT यूरिया कम आपूर्ति की गई है। बिहार की डबल इंजन की सरकार में बिहार की एकमात्र बरौनी का खाद कारवाना बंद कर दिया है। पश्चिमी चंपारण में अगस्त माह में 13,000 मीट्रिक टन के बदले मात्र 5,900 मीटिंग टन की आपूर्ति की गई। माले नेता ने संबंध में कृषि निदेशक के साथ 18 अगस्त के बातचीत में अगस्त माह के यूरिया का पूरा कोटा देने का आश्वासन को पूरा नहीं किए जाने पर कहा कि बिहार के पदाधिकारी भी भाजपा नेताओं की तरह झूठ बोल रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में माले नेताओं ने पश्चिमी चंपारण समेत पूरे बिहार में बाढ़ व अतिवृष्टि से लाल शरद रोग के कारण गन्ना की बर्बाद फसलों का मुआवजा देने की मांग के साथ पंजाब की तरह बिहार में गन्ना मूल्य 160 रुपए प्रति क्विंटल करने की मांग की है। माले नेताओं ने बाढ़ राहत, यूरिया संकट, गन्ना का मुआवजा और मूल्य वृद्धि, सड़क, रेल और हवाई अड्डों, स्टेशनों, कॉलेजों, अस्पतालों आदि बेचे जाने के खिलाफ 25 सितंबर के भारत बंद की तैयारी के क्रम में सघन अभियान चलाने की घोषणा की। इनके अलावा किसान महासभा, जिला अध्यक्ष सुनील राव, भाकपा माले नेता सह एक्टिव जिला अध्यक्ष रविंद्र रवि, इनौस नेता सुरेंद्र चौधरी, भाकपा माले राज्य कमेटी सदस्य सुनील यादव, लोगों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। 9 महीने से किसान जो है वो 3 काले कानून के खिलाफ जो खेती बाड़ी को खत्म करने वाला है, महंगाई को बढ़ाने वाला है, गरीबों के राशन को खत्म करने वाला है और किसानों के खेतों को छीनने वाला जो कानून है, 3 काला कानून, उसके खिलाफ लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और ये सरकार जो है उस पर कुछ सुन नहीं रही है। और उसी योजना के तहत कि गरीबों के, किसानों के जो भी जोत आबाद में ज़मीन है 2-4-10 बीघा वालों के, उसको कैसे छीन लिया जाए, एक कृत्रिम यूरिया संकट पूरे देश में खड़ा कर दिया गया है। बिहार को अगस्त में 1,00,000 मीट्रिक टन जो है यूरिया कम दिया गया है, जबकि बिहार में अगस्त माह में ही यूरिया की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। लोग धान के खेतों में यूरिया का इस्तेमाल करते हैं और इस तरह से सोची समझी रणनीति के तहत यूरिया संकट पैदा करके और खेती बाड़ी को यहाँ की ख़त्म की जा रही है। और ये सरासर पूरे किसानों के खिलाफ, जनता के खिलाफ, ये पूरे पूरे देश के खिलाफ ये बात है सरकार, मोदी सरकार का। और ये मोदी जब तक हैं तब तक ये संकट है यूरिया का। हम इसलिए कहते हैं कि पूरे विश्व में जब पेट्रोलियम पदार्थों के दाम कम हो रहे हैं, कम हुए हैं,
और सभी लोग जानते हैं कि पेट्रोलियम पदार्थों के इस्तेमाल के द्वारा यूरिया बनता है, उसमें उसका भी इस्तेमाल है, और तब भी यूरिया का महंगा होना, यूरिया का नहीं बनना, बिहार की जो डबल इंजन की सरकार है, एकमात्र कांटी यहाँ, एकमात्र कांटी कह रहे हैं, एकमात्र जो बरौनी यूरिया कारखाना था, खाद का कारखाना था, उसको भी डबल इंजन की सरकार में ख़त्म कर दिया गया, वो भी नहीं चलता है, और हम पूरी तरह से बाहर पर निर्भर हैं, और मोदी सरकार जिसको परमिट करेगी किसको कहाँ मिलेगा, यूरिया कितना मिलेगा, कब मिलेगा, तो ये तरह से पूरे बिहार के किसानों को मारने का, बिहार के किसानों की खेती बाड़ी छीनने का एक पूरी तरह से भाजपा की ये साजिश है, और इसमें पदाधिकारी लोग लगातार झूठ बोल रहे हैं। हमने बात किया था यहाँ कृषि निदेशक से 18 अगस्त को, उन्होंने हमने उनसे बात की थी कि आपने जुलाई का भी कोटा कम कर दिया। पूरा बिहार जो है वो बाढ़ से तबाह हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, और बाढ़ से तबाह बर्बाद लोगों की सुधि लेने वाला कोई नहीं है। ये इस मामले में सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। हमारे बगल के ज़िले में पूर्वी चंपारण में जो 8 प्रखंड जो हैं वो पूरी तरह से बाढ़ से तबाह बर्बाद हैं। 1000 परिवार गंडक के तटबंध पर अभी शरण लिए हुए हैं। अरेराज प्रखंड में नवादा पंचायत के, चटिया पंचायत के, सरिया पंचायत के, वहाँ आपको कोई देखने वाला नहीं है। और तो और जो हम लोगों का ज़िला है जहाँ की आपदा प्रभारी हैं ये उप मुख्यमंत्री रेणु देवी जी हैं, जो पूरे बिहार के आपदा प्रबंधन की जिम्मेवार हैं, तो इस ज़िले में हम एक छोटा सा उदाहरण देना चाहेंगे कि अभी पिपरासी जो प्रखंड है उसका मझरिया पंचायत है, उसका सेमरा लगदाहा पंचायत है, वो बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुआ, और बांध पर लोग शरण लिए हुए हैं। वहाँ पर जो छतौनी रेल बांध है उस पर सैकड़ों परिवार आपको 8 दिनों से बारिश में धूप में शरण लिए हुए हैं, उनको प्लास्टिक तक ये सरकार नसीब नहीं करा पाई है, और कांटी में सैकड़ों घर जो कट गए हैं सेमरा लगदाहा पंचायत के नदी के बाएं तटबंध पर, वो लोग भी जिनका सैकड़ों घर कट गया है, सैकड़ों परिवारों का, वो लोग भी उत्तर प्रदेश के शिविर में जाके शरण लिए हुए हैं, और वहाँ कोई राहत नहीं है। और तो और सेमरा लवेदा में एक बाढ़ आश्रय स्थल बना हुआ है जिसका मुख्यमंत्री ने जी ने आपको उद्घाटन किया पिछले साल, और आज तक ये 10 दिन से लोग धूप में और वर्षा में बांध पर हैं, और वो उसको खोला नहीं गया, उसका ताला नहीं खोला गया, वो 66 लाख का बना हुआ बाढ़ आश्रय स्थल वो किस काम का है, वो भवन किस काम का है। और ये आपदा जो यहाँ की मंत्री हैं सीधे तौर पे ये पूरे पूरे ठेकेदारों के, भूमि माफियाओं के प्रबंधन की मंत्री बन गई हैं। आपदा प्रबंधन से इनको कोई मतलब नहीं है। आप लोगों ने, हम लोगों ने कभी इस ज़िले में नहीं देखा कि इतनी बाढ़ आई हो, इतनी तबाही हुई हो और लोगों को राहत नहीं मिला हो, न गरीबों को राहत मिला, न किसानों को राहत मिला। यहाँ किसानों के बिचड़े ख़त्म हो गए, उनके पास भी कोई राहत सामग्री नहीं पहुंची, गरीबों के पास भी कोई राहत सामग्री नहीं पहुंची। तो ये आपदा प्रबंधन विभाग जो है पूरे बिहार का वो क्या करता है, वो केवल ठेकेदारों का और भूमाफियाओं के प्रबंधन के लिए बना हुआ है। तो ये हम समझते हैं कि यहाँ जो है ये इनके निकम्मेपन के चलते, उनका गृह जिला होने के बावजूद ये उप मुख्यमंत्री का निकम्मापन है, आपदा प्रबंधन विभाग का निकम्मापन है कि यहाँ के किसानों को, यहाँ के जो गरीब हैं उनको बाढ़ राहत नहीं मिला, और पूरे राज्य की यही स्थिति बनी हुई है। हम इससे की निंदा करते हैं और अविलंब राहत चलाने की मांग करते हैं। दूसरी बात जो है यूरिया संकट की बात, तो आज आप R9 भारत के लिए जयकिशोर शर्मा की रिपोर्ट बेतिया से। मछली खाने से दो सगे भाई की मौत से सदमे में पूरा परिवार। दरअसल मामला सुपौल जिला राघोपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत जहलीपट्टी वार्ड नंबर 8 देवीपुर का है, जहां दो बालक जिसका नाम सोनू कुमार उम्र करीब 12 वर्ष और दूसरे का नाम कृष्ण कुमार उम्र करीब 8 वर्ष, दोनों पिता विनोद मंडल है। दोनों बताया जाता है कि दोनों भाई रात में मछली चावल खाकर सोने चले गए। अचानक 11 बजे दोनों को उल्टी होने लगी जिससे काफी तबीयत बिगड़ गई, जिसकी हालत को देखते हुए सिमराही रेफरल
अस्पताल लाया गया, लेकिन वहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर सुनते ही पूरे गांव में मातम सा छा गया। वहाँ ग्रामीणों ने इसकी सूचना राघोपुर थाना को दिया। मौके पर पहुँच पुलिस ने लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवा कर यह घर वालों को सौंप दिया है। लेकिन यह घटना एक रहस्य बना हुआ है। अभी तक मृतक के पिता का कहना है कि दिन में लड़का सब खेल कर आया था और रात में मछली चावल पूरे परिवार मिलकर खाया है, लेकिन हम दोनों को तो कुछ नहीं हुआ, सिर्फ मेरे दो बेटे की उससे मौत हो गई है, जिससे मेरे जीने का सहारा खत्म हो गया है। इसका मौत कैसी हुई यह एक रहस्य में बना हुआ है। खाए हैं उसमें कुछ मिला हुआ है, ये सब कुछ नहीं। पहले कौन लड़का का तबीयत गड़बड़ हुआ? बड़ा वाला का। तो उसको लेके कहाँ गए आप? उसको लेके गए हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल राघोपुर। वहाँ पर जो है इलाज के दौरान क्या है? मतलब बताए वहाँ डॉक्टर साहब। हमारा भाई छोटा ले गया, हम छोटा लड़का को यहीं पे लेके थे, पीछे से आ रहे थे, हम बोले चलो साइकिल से आते, वो लोग रिक्शा से गया, सिटी रिक्शा से। तब पर भी बताए होंगे ना छोटे भाई साहब को? हाँ, तो वहाँ से वही तो बोले, जो बोला नहीं अभी बच्चे नहीं है ठहरने वाला, लेके जाओ गर्म पानी मालिश करना, ये बहुत कुछ बताया। अब जो भी बताया होगा उसी को, फिर हम छोटका लड़का को लेके पहुँच रहे थे, तो उधर से वो लोग घूम के आ रहा था, बोलता नहीं नहीं चलो, तो हम बड़का लड़का को लेके आ गए, और वो छोटा वाला को ले गया वहाँ से, फिर सुपौल वो लोग ट्रांसफर करके भेज दिया। पहले कौन लड़का आपका डेट किया? बराबर हॉस्पिटल में घर आने नहीं, जाते जाते डेट कर गया बोला, लेकिन नहीं जाते जाते नहीं डेट किया। उसके बाद फिर छोटा लड़का को लेकर निकला, छोटा लड़का को ले गया वहाँ पे, फिर बोला सुपौल में जी थोड़ा बहुत दवाई चला कि नहीं, फिर वो डेट किया सुपौल में जाकर। डेट बेटी कर लिए। ये जो घटना हुआ है यहाँ पे, कैसे ये घटना हुआ थोड़ा बताइए तो। 11 बजे रात को घटना हुआ, 11:30 बजे एक बड़ी उल्टी हुआ। क्या था बच्चा का, क्या नाम था? सुमन कुमार। सुमन कुमार, उम्र करीब कितना हुआ उसका? 12-13 साल होगा। और कोई और एक लड़का था, उसका क्या नाम था? कृष्ण कुमार। तो ये मतलब किस वजह से हुआ थोड़ा बता सकते हैं? इसका कोई वजह नहीं है सर, अभी तो सामने नहीं आ रहा। रात में जो ये घटना हुआ है, तो मतलब कोई खेव वो कुछ किया था? रोटी खाए थे, मछली खाए थे साथ में। मछली कहाँ से लाया गया था? गणपतगंज से। तो मछली कौन कौन मछली खाया था? विकासी था। तो मछली वो लड़का मछली खाया था? हम सभी खाए थे। सब मिल के खाए थे एक ही थाली में खाए थे। एक ही थाली में आप मछली खाए थे? तीन वाली। तो मछली खाने के बाद मतलब आपका तबीयत ठीक रहा? हमारा तबीयत ठीक रहा, हम नहीं सोए, वो लोग सो रहा था। एक घंटा के बाद उठ के उल्टी करने लगा, एक बार उल्टी गया, फिर एक घंटा के बाद सो गया कुल्ला उल्ला करके। दोनों के साथ हुआ कि एक ही लड़की बार दोनों को हुआ? नहीं, एक ही बार नहीं हुआ, अलग अलग हुआ। पहले बड़ा लड़का को हुआ, उसके बाद छोटा को हुआ, जब उसको दो बारी हो गया तब उसको दूसरा बारी चालू हुआ देखने। उसके बाद आप क्या किया? उसके बाद हम गए हॉस्पिटल लेके, वहाँ पे फिर बोला नहीं दवाई हुआई अभी नहीं पड़ेगा, ये इसको सरद गर्म हो गया, ले जाओ घर पे मालिश करना, ये हो बहुत चीज़ बताया। आपका नाम क्या होगा? विनोद मंडल। ये जो बच्चा था वो आपका क्या कौन लगेगा? लड़का था मेरा। आपका दोनों लड़का है वो? अच्छा, माँ जी बताइएगा, ये जो बच्चे के साथ सुनते हैं घटना हुआ है रात में, तो कैसे हुआ थोड़ा इसमें जानना चाहते हैं, आपको जहाँ तक जानकारी है बताइए कैसे हुआ ये घटना? क्या कह सुतले पापा संग तीनों बाबू जरे खेल के सुतले गेले, मछली रे माछ। मछली कौन सा था? मुंगरी हमने रे। मुंगरी कहाँ से लाए थे खरीद? गणपतगंज बाजार से। मछली जो खेल के रहे, वो मछली के खेल के रहे? सब कोई खेल के। बच्चा के ही बीमार पड़ ले? बच्चा हाँ, बच्चे टा बीमार पड़ ले। मछली खाए के बाद की भले? उल्टी भले कल के माँ के पेट में दर्द करे छे, उल्टी है छे, तेल पका के गले रसून तला दे ले ओकरा मुंह दे आर में टांग में सब ठे दल के ले गले सुर रल के दुई बेर उल्टी भले कल के रे की खेली बरे ओकर धकर उल्टी है छे विनोद हमरा सुता देवी कि नहीं कान ल झोरा नहीं को वो था कॉल रही। बच्चा के की नाम रिये? सुबन मंडल कुमार। उम्र कते है तो का? 12-13 साल। एगो बच्चा और जे डेट कर लके ओकर कते? 5-7 साल है ते। की नाम रिये का?
कृष कुमार। और पापा के की नाम दिए? विनोद मंडल। विनोद मंडल। और घर कत पर छे? जालीपट्टी। जालीपट्टी। पांचवी वार्ड कते पर छे? 8 नंबर। R9 भारत के लिए चंदन रजक की रिपोर्ट।